सुबह के 7 बजे हैं और मैंने ब्रेकफास्ट की तैयारी की है। इतनी जल्दी तैयारी की है, आप सोच रहे होंगे इतनी जल्दी क्यों ब्रेकफास्ट बना रही हूँ, क्योंकि मुझे स्कूल को लेट हो जाता है। तो मैं आज आपसे क्या शेयर करने वाली हूँ, आलू के पराठे। और इसलिए मैं जल्दी बना रही हूँ क्योंकि मुझे आज स्कूल जाना है। मैं टीचर हूँ, मैं टीचिंग करती हूँ, इसलिए मेरा आज ब्रेकफास्ट है, उसमें मैं आलू के पराठे बनाकर ले जाऊंगी लंच में। स्कूल में हो जाता है थोड़ा, यहाँ पे खा कर चली जाती हूँ, वरना थोड़ा लेट हो जाता है तो मैं नहीं खा के जाती, सिर्फ चाय पी के जाती हूँ, तो साथ में लंच लेकर जाती हूँ। तो यहाँ पर हमारा आलू का पराठा तैयार हो गया है। और आलू का पराठा मैंने सिंपल तरीके से ही बनाया था। इसकी जो मैंने सिंपल तरीके से ही इसकी स्टफिंग तैयार की थी। पहले रात में आलू बॉईल किए थे और सुबह में उसको निकाल करके फ्रिज में आधा घंटे पहले मैंने रख दिए थे। और पहले उसके बाद मैंने उनको ठंडा होने तक वेट किया। इतने मैंने घर में झाड़ू वगैरह लगा ली थी और मैंने इसकी स्टफिंग सिंपल तरीके से तैयार की है, जैसे सब करते हैं, हरी मिर्ची प्याज वगैरह मसाले वगैरह ऐड करके इसकी स्टफिंग तैयार की। और उसके बाद में मैंने ये पराठे तैयार किए और ये खाने में इतने टेस्टी थे ना, स्कूल में लेकर गई थी तो सब ने तारीफ़ ही की है मेरी। और आलू के पराठे वैसे मुझे ब्रेकफास्ट में काफ़ी पसंद है और सर्दियों में मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं। पर ये ऐसे करके एक के ऊपर एक करके तवे पे इसलिए रखे हैं, इतने में नहा कर आऊँगी, ये गर्म ही रहेंगे। और मैं नहा कर आ गई हूँ, बाकी है मेरा तैयार होना, लेकिन बाद में हो जाऊँगी। और ये और स्कूल पे चली गई थी मैम, और वहाँ से आकर देखो मेरी पूजा घर कैसी हो रही है, और मैंने उसको सफाई करके ऐसे कर दी कि बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं बाद में उसमें डिस्कस करूँगी, लेकिन पहले मैंने फिर बाद में सफाई करके देखो ऐसे डेकोरेट किया था। और ये सांझी है, सांझी बोलते हैं, आपको पता है जो अमावस्या होती है उसमें सांझी लगती है, क्योंकि उस दिन हमारे श्राद्ध वगैरह तो ख़त्म हो जाते हैं लेकिन नवरात्रि स्टार्ट हो जाते हैं, तो जहाँ से स्टार्ट होता है उसको अमावस्या बोलते हैं, अमावस्या रात्रि। तो ये रात्रि थी अमावस्या और मैंने बहुत ज़्यादा सफाई की थी उस दिन, पूरा दिन ऐसे चला गया था, स्कूल से आई थी तो पूरा दिन लगी रही थी मैं आकर के साफ़ सफाई की। पूजा घर की देखिए, मैं पूजा घर दिखाऊंगी आपको, देखिए मेरा पूजा घर है और काफ़ी अच्छा लग रहा था साफ़ सफाई करके। और देखिए आप देख सकते हैं, और नीचे मैं थोड़ा दिखाऊंगी, पहले ऊपर देख लीजिए। और देखिए यहाँ पे जो वो होते हैं, जो होते हैं उसमें वो बोए जाते हैं, वो निकलते हैं वहाँ से जो होकर उसमें, क्या बोलते हैं, भूल गई मम्मी क्या बोलते हैं, मम्मी भी नहीं है यहाँ पे, चली गई है। और ये जो तिकड़ी धोते बोलते हैं इसको, बनाते हैं मिट्टी से बनाते हैं,
फिर नवरात्रि, जितने नवरात्रि होते हैं उसमें हम काम करके बनाते हैं, गाय के गोबर से बनाते हैं उसको। एक्चुअली जो सांझी होती है उसको भी तकड़ी तोते भी गाय के गोबर होता है, उसको चिपकाते हैं उसी से। और देखिए मैंने अपना घर क्लीन कर लिया था, सारी क्लीनिंग हो गई थी, बड़ा मज़ा आता है। अब से त्यौहार स्टार्ट हो गए हैं और घर की साफ़ सफाई भी होनी है। अब की बार मैं सोच रही हूँ कि जब मैं साफ़ सफाई करूँगी तो यूनिक तरीके से अपना घर डेकोरेट करूँगी। और मैं नहा करके आई थी और मुझे काफ़ी तेज़ भूख लगी थी, तो मैंने सोचा मैं क्या बनाऊँ, तो फ्राई चावल सोच रही थी बनाना। तो चावल रखे थे तो मैं सोच रही हूँ इसको फ्राई कर लेती हूँ अच्छे से। तो चलिए फ्राई कर लेते हैं। और ये चावल है और मैंने यहाँ पे प्याज कट करके रखा है, टमाटर कट करके रखा है, और यहाँ पे मैंने चाय रखी है अपने लिए, शाम की चाय। मैंने आपको पहले भी बताया था वीडियो में, शाम को चाय पीना मुझे काफ़ी पसंद है क्योंकि शाम का व्यू इतना अच्छा होता है कि चाय पीने का मन खुद पे खुद करने लगता है। और मैं यहाँ पे चाय बना रही हूँ। मेरी चाय थोड़ी कड़क होती है और मुझे चाय में काफ़ी दूध पसंद है, मैं पानी वाली चाय कम पीती हूँ, ज़्यादा क्वांटिटी दूध की ज़्यादा रहती है, तभी मम्मी बोलती है सारा दूध ख़त्म कर देती है चाय। चलिए ये तो मजाक की बात है, लेकिन मेरी चाय बड़ी अच्छी लगती है, कभी आना आप तो मेरी हाथ की चाय ज़रूर पीना। और यहाँ पर मैंने ऑयल चढ़ाया था कढ़ाई में और उसके बाद में गर्म होने तक वेट किया था मैंने। और मैं आपको बता रही हूँ कि चावल फ्राई तो वैसे सभी कर लेते हैं, लेकिन आपने कभी नोटिस किया है जो हमारे बड़े लोग होते हैं, जैसे नानी होती है, दादी होती है, वो चावल पहले कैसे फ्राई करती थी, उनके चावल में काफ़ी मज़ा आता था यार खाने में। जो अनियन होते हैं ना, वो छोंक वाले अनियन बोलते हैं उसको, वो काफ़ी अच्छे लगते थे, मुझे तो काफ़ी अच्छे लगते हैं, उनकी खुशबू भी काफ़ी अच्छी लगती थी। और जो वे चावल में रहते हैं उनकी जो टेस्ट आता है वो काफ़ी ही यूनिक होता है और खाने में अच्छा लगता है।
तो मैं आपको आज बताती हूँ कि वो कैसे फ्राई करते हैं। तो हम स्टार्टिंग में तो मैंने क्या किया था, मैंने जो ऑयल था हमारा जो वो गर्म हो गया था, तो मैंने इसमें अनियन डाल दिया। उसके बाद में मैंने यहाँ पर अजवाइन का यूज किया है। मुझे अजवाइन मैगी में थोड़ा मैगी या जमे हुए और या फिर कुछ ऐसी चीज़ होती है तो मुझे काफ़ी पसंद है अजवाइन, और मैंने इसमें अजवाइन डाली है। और उसके बाद में मैं इसमें जो मेरे फ्राई किए चावल हैं वो डालूँगी। पहले तो वेट कर लेंगे इसका सोते होने तक, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि मैंने चावल कैसे तैयार किए थे। मैंने यहाँ पे चावल तैयार कर लिए। मैंने यहाँ पे हल्दी पाउडर ऐड किया। हल्दी पाउडर पहले जो लेडी होती थी, जैसे हमारी नानी होती थी, दादी होती थी, वो पहले ऐसे ऐड करती थी, हल्दी भी डालती थी। आजकल तो यूनिक तरीके से फ्राई करते हैं, लेकिन मैं पहले तरीके से जो बनाते थे वो बता रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर नमक ऐड किया है और इसमें हल्दी पाउडर और जो लाल मिर्च वगैरह है वो भी मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया। और मेरा गरम हो गया था, ऑयल तो मैंने उसमें अनियन तो कर ही दिए थे, वो सोते हो गए थे, थोड़े ब्राउन कलर के हो गए थे, तो मैंने टमाटर उसमें छोड़ दिए हैं। और यहाँ पे अपने चावल का पैटर्न तैयार कर रहे हैं, उस मैंने आपको बता ही दिया है मैंने इसमें क्या क्या मिक्स किया है। फिर हम एक चीज़ मेन पॉइंट होती है, इसको हाथ से मिक्स करते हैं, ऐसे जैसे मैं कर रही हूँ ना, हाथ से अच्छे से मिक्स करते हैं। इसमें अलग ही टेस्ट आता है, आप ट्राई करके देखना, बहुत अच्छा लगता है ये। और मैंने काफ़ी बार है ना अपने चावल ऐसे करके खाए हैं, जैसे हम कुछ भी अपना मिक्स करके खाते हैं, जो भी हमारे कैप्सिकम होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम ऐड करके खाते हैं, अनियन खाते हैं, टमाटो वगैरह होता है, जो कुकुम्बर वगैरह यूज़ कर लेते हैं इसमें, जो फ्राइड राइस होते हैं। और मुझे इतना पता है कि जो ये वाले राइस होते हैं वो काफ़ी ही अच्छे लगते हैं, ट्राई करके देखना आप, यकीन मानिए बहुत अच्छे लगते हैं। और मेरी मैंने बाद में खाना वगैरह नहीं खाया था, क्योंकि मैंने चावल खा लिए थे और चाय ली थी, और चाय भी मेरी काफ़ी अच्छी बनी थी। और थोड़ा मेरी गले में प्रॉब्लम हो रही है, थोड़ी आवाज़ ऐसी हो रही है। तो आज की खासियत ये है कि आज अमावस्या थी, अमावस्या की रात्रि थी, और इस दिन हम क्या करते हैं, हमारे यहाँ पे क्या थे वो चीज़ मैंने शेयर की है। हमारे यहाँ पे सांचे लगाते हैं और पूजा घर की डेकोरेट करते हैं, पूजा घर डेकोरेट करते हैं, टिकड़ी धोते होते हैं, उनको बनाते हैं, मिट्टी से बनाते हैं, उनको कलर करते हैं, काफ़ी अच्छा लगता है ये सब करते हुए। आगे त्यौहार आ रहे हैं तो काफ़ी मज़ा आएगा, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। मुझे ये जो दिन आ रहे हैं ना, सर्दी वाले या त्यौहार वाले, दिवाली वाले स्टार्ट हो जाते हैं, मुझे काफ़ी पसंद है, बहुत अच्छा लगता है, मुझे अलग से ही फीलिंग आती है इन सब चीज़ों की। और यहाँ पर मेरे राइस तैयार हो गए थे, और इस बार देखते हैं दिवाली में क्या करते हैं कुछ अलग सा। और बस मुझे इतना पता है कि अब की बार मैंने आपके लिए सरप्राइज़ रखा है, और अब की बार मैं आपको कुछ ऐसा दिखाऊंगी, वो सरप्राइज़ है, पहले तो नहीं बताऊंगी, लेकिन वीडियो बनाकर डालूंगी, तो ज़रूर कमेंट करके बताना कि आपको कैसा लगा है। और देखिए कितना अच्छा कलर आया है जो ये राइस फ्राई किए हैं हमने, और आप इसको ट्राई करके देखना। और जो मेरी चाय भी बन गई है, वाह वाह, तो मज़ा आ जाएगा मुझे खाने में इनको। आप भी ज़रूर ट्राई करके देखना, काफ़ी अच्छे थे खाने में।
और ये रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मेरा चैनल आपको पसंद आता है तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना, और आपका जो कमेंट है मेरे लिए काफ़ी मायने रखता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे मुझे पता चलेगा कि आप क्या चाहते हैं, वीडियो में क्या देखना पसंद करते हैं। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, और मैं टीवी ओपन करूँगी, मुझे टीवी देखते हुए खाना काफ़ी पसंद है। और आइए आप भी टेस्ट कीजिए और बताना कि कैसी रही रेसिपी आज की। और वाह, मैं तो अभी खा लेती हूँ, मुझे होता है ना पेशेंस, वो नहीं है। चलिए ओके, बाय बाय, मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, बाय बाय।